आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन मंडी अयोध्या स्थित 63 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों व उनके परिवार व बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने हाथों में तिरंगा लेकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में रैली निकाली। इस रैली में 63 बटालियन सीआरपीएफ के कुल 500 से अधिक जवान और उनके परिवार व बच्चे शामिल हुए। देशभक्ति और देश प्रेम से ओत प्रोत जवानों और उनके परिवारों ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया। दरअसल 63 बटालियन सीआरपीएफ को हर घर तिरंगा अभियान के तहत कम से कम 25,000 घरों पर तिरंगा लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। उसी अभियान के तहत सीआरपीएफ द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली बहुत ही आकर्षित और देश प्रेम से ओतप्रोत थी। भारत की आजादी के लिए शहादत पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी इस अवसर पर याद किया गया और आह्वान किया गया कि सब लोग मिलकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। जैसा कि पूरा देश जान रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष मनाया जा रहा है, 75 वर्ष हमारी आज़ादी के हो चुके हैं। इसके तहत इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और उसके कुछ दिन पहले से ही हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को भारत सरकार और हम लोगों के विभाग के तरफ से ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगा आम लोगों तक पहुंचा सके अपनी आज़ादी के महोत्सव को मनाने के लिए उतनी अच्छी बात होगी। इसके तहत मैं सबसे पहले अपने जवानों को तैयार किया हूं और उनके परिवार को तैयार किया हूं और सभी हमारे जवान सभी कम से कम 5 झंडे अपने से फहराएंगे लेंगे, अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे झंडा फहराने के लिए और तिरंगा हर घर पर हो। हमारे लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो कम से कम 25,000 घरों पर 25,000 परिवारों के बीच में जा कर के हम लोगों को जो बटालियन जो 63वीं बटालियन अयोध्या में है सीआरपीएफ की